नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पाकिस्तान के गिरे हालात के बारे में बताया था और ये बताया था कि पाकिस्तान किस तरह से आर्थिक जो है मुश्किलों से जूझ रहा है और पाकिस्तान तंगी से और गरीबी से जूझ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, रुपया नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो वह उन पैसों को कैसे जुगाड़ रहा है भीख मांग के दूसरे देशों से, खास करके चाइना से। लेकिन अब जो है चाइना से जब उसने $40 बिलियन उधार ले लिए हैं, चाइना ने $40 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, अब पाकिस्तान को 20 साल तक उन्हें वो पैसा लौटाना है और वो लौटा नहीं पा रहा है, तो उसने क्या जुगत लगाई है, क्या जुगाड़ लगाई है पैसा अरेंज करने की, वह बड़ा दिलचस्प है और फनी है। अब पाकिस्तान गधे बेच रहा है, जी हाँ, गधे बेच रहा है, वो भी चाइना को। आपको बता दूं कि चाइना में जो है गधों से चीनी दवाई बनाई जाती है, गधों को मार के उनसे जो है चीनी दवाई, देसी दवाई बनाई जाती है, जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर है। और आपको यह जान के बहुत ही हैरानी होगी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा गधे वाला देश है, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर। तो पाकिस्तान में जब इतने गधे पाए जाते हैं तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम गधे बेचें, तो वह चाइना को गधे बेच रहा है। और अभी अभी पाकिस्तान ने पीओके के रास्ते चाइना को 1000 गधे एक्सपोर्ट किए हैं और चाइना उन्हें भारी भरकम रुपया भी दे रहा है, क्योंकि चाइना को गधों को मार के उनकी दवाई बनानी पड़ती है। अब पाकिस्तान ने यह सोचा है कि हम गरीबी में जीने के लिए क्या करें, तो वह अब गधों की फार्मिंग करने वाला है। जी हां, पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वो गधों की फार्मिंग करेंगे और अब वो गधों को जो है वो पैदावार बढ़ाएंगे ताकि आने वाले दिनों में गधों की कमी ना हो सके और ज्यादा से ज्यादा गधे वो बेच पाए, खास करके चाइना को, और कुछ जो है कर्जा मुक्त हो पाए, जो कि चाइना का चढ़ गया है $40 बिलियन का, अर्थात 2,81,220 करोड़ रुपया का। तो चाइना अब जो है पाकिस्तान से गधे खरीद रहा है और पाकिस्तान गधे बेच के अपनी कुछ गरीबी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी पाकिस्तान और गधों वाली, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और पाकिस्तानी गधों के बारे में भी अपनी राय देते हुए जाइएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन बजाते हुए जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।